मार्स क्या बाबा सरदारी इनमें का भी अड़ी शे कान सरदारी निज़ाम खत्म थे बुटे साहब दौर का सरदारी निज़ाम ही पूरा थी आन। हे एकड़ो जाती तौर एक चवन हिनमल में यो चवन उन नुकसान थे मुनासिब ना पर अरफीम चर्स इन धंधे वार तंगी थी उन्हीं तंगी के टारगेट खड़ी माखे अड़ी गाल है कान जो अड़ी गाल हुआ तो बस सुप्रीम कोर्ट में यो केस हलो तो ये जी अस खिलाफ़ को भी एविडेंस इन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दियन है ना उन ये एविडेंस उत भी को दिना सुप्रीम कोर्ट को केस वापस थी इतने आयो सिर्फ इन बुनियाद से कि इन बुधो न वो बाकी एविडेंस की गाल हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में दियन है ना बिल्कुल है कुछ चैनल्स को खुद भी कॉन्टेक्ट किया है। मैं ये भी कहूँगा कि मैं प्रेस मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ एक तरफा बात सुन के और किसी को सजा नहीं दे सकते। आपका काम है आप दोनों फरीकों की बातें सुनें और दोनों फरीकों को इक्वली ट्रीट करें। हम बेगुनाह हैं थे इंशाल्लाह ताला रहेंगे। आप किसी भी बेगुनाह का नाम किसी केस में जब देते हो तो ऑटोमेटिकली वो केस आपका कमजोर होता है उसमें उनकी मैं किसी किस्म का ऐसा कमेंट्स नहीं कर सकता लेकिन उन्होंने जो भी किसी बेगुनाह को इस केस में इन्वॉल्व किया होगा तो वो उसकी आखिर बेगुनाही की भी सबूत दुनिया में रहते हैं। अगर उसको गुनाहगार करने के लिए चाचा मामू इस केस में जितने भी शायद और गवाह हैं वो सिर्फ उनके रिश्तेदार हैं जो उनके घर के अंदर ही हैं और कोई बाहर से कोई शायद कोई गवाह उस कहते हैं कि सड़क पे ये इंसिडेंट हुआ उस पूरी सड़क में कोई शायद और गवाह नहीं था जब ये इंसिडेंट देखा इनके शायद इनके गवाह इनके जितने भी लोग एफआईआर लॉन्च करने वाला शायद गवाह वो सब एक घर के फर्द है। दानेश्वरों को मैं सारे प्रेस को खुद इन्वाइट करना चाहता हूं कि आप ऑन द ग्राउंड जाके देखें क्या इस मामले की तय पर जाके देखें इश्यू क्या है जिससे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है किया किसने।